सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2। हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है CO2 की, ठीक है। और जिस भी बॉटल के अंदर हम CO2 को उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम सोल्यूबल करा रहे हैं, तो उसका हमें पार्शियल प्रेशर गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है हमें, 4 एटमोस्फेयर गिवन है, क्लियर। ओके, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है हमारा, वो 25 डिग्री सेल्सियस है। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हम कर रहे हैं। और साथ में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है हेनरी कॉन्स्टेंट। वो कितना है, वो है हमारा 3.1 × 10^-2, दैट इज मोल पर लीटर और पर एटमोसफेयर, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें क्या करना है, कंसेंट्रेशन को कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, कंसेंट्रेशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है कि हमें इनडायरेक्ट सॉल्युबिलिटी को ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं, सिंपल है, फॉर्मूले का यूज करना है। पर मैं आपको बताऊं कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे करते हैं यहाँ पे हेनरी लॉ का जो थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है उसको यूज कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वो यूज करते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू हेनरी कॉन्स्टेंट इंटू में क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ये हम उसके अंदर ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। बट इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं होगा और आपको कैसे ध्यान रखना पड़ेगा कि कब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा। देखो यहाँ पे जो हमारा KH है, यहाँ पे क्या है हमारा KH, K दैट इज हेनरी कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी हमारी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। अब देखो जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती, ये तो यूनिट लेस है। और पार्शियल प्रेशर की हमारी यूनिट है, जो प्रेशर की यूनिट है, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमोस्फेयर, टोर, इसकी यूनिट क्या होती है, एटमोस्फेयर होती है, या फिर टोर, या फिर मिलीमीटर मरकरी, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बार हो सकते हैं, ठीक है। तो जो यूनिट हमारी प्रेशर की होगी वही यूनिट किसकी होगी, हमारी हेनरी कांस्टेंट की होगी। जो यूनिट प्रेशर की होगी वही यूनिट किसकी होगी, हेनरी कांस्टेंट की होगी, ठीक है। बट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें, क्वेश्चन के अंदर जो हमें यूनिट गिवन है वो क्या गिवन है, हमें गिवन है मोल पर लीटर पर एटमोसफेयर, ठीक है, मोल पर लीटर पर एटमोसफेयर। और यहाँ पे क्या यूनिट आ रही है हमारी, यहाँ पे यूनिट आ रही है हमारी सिर्फ प्रेशर की यूनिट आ रही है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तब हम उसकी जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसकी जगह हम फॉर्मूला यूज करेंगे हम एस इज इक्वल टू के पी, एस इज इक्वल टू के इंटू पी, ठीक है। एस के हमारी सोलबिलिटी, एस के हमारी सोलबिलिटी होगी, और के क्या होगा हमारा हेनरी कॉन्स्टेंट होगा, और पी क्या होगा हमारा पार्शियल प्रेशर होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे CO2 को गिवन है, ठीक है। अब देखो हेनरी कॉन्स्टेंट क्या गिवन है हमें, हेनरी कॉन्स्टेंट गिवन है हमें 3.1 × 10^-2, और साथ में यूनिट भी लिखनी है आपने मोल पर लीटर पर एटमोस्फेयर, ठीक है, इंटू में पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है आपको, 4 एटमोस्फेयर गिवन है। एटमोस्फेयर से एटमोस्फेयर क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। सो अल्टीमेटली जो हमारे पास वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, 12.1 × 10^-2, 10^-2, ठीक है, मोल पर लीटर, ये क्या आएगी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, क्लियर। और अगर इसको इसको जो हमें आंसर किस तरह की बना, 0.12 × 10^-2 मोल पर लीटर, क्लियर। ओके, हेलो एवरीवन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेनिंग 6.56 × 10^-2, जो -2 ऊपर आएगा, -2 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार, ठीक है। इफ द सोल्यूशन कंटेन्स दिस ग्राम ऑफ इथेन, व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। देखो देखो इसके अंदर जो हमें हमें दो तो क्या गिवन है, दो मास गिवन है, और एक क्या गिवन है, हमें एक प्रेशर गिवन है, ठीक है। तो जो हमारा M1 होगा, M1 क्या होगा हमारा, M1 मास होगा, M1 मास, वो कितना गिवन है हमें, वो गिवन है 6.56 × 10^-2 ग्राम। और इसके साथ जो हमें प्रेशर P1 गिवन है, वो कितना गिवन है हमें, 1 बार गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि हमें M2 गिवन है, M2 कितना गिवन है हमें, 5 × 10^-2 ग्राम, ठीक है। और साथ में जो इसके P2 गिवन है हमें, P2 कितना, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार, मतलब अगर इतने ग्राम हमारे पास क्या हो, इतने ग्राम हमारे पास इथेन हो, ठीक है, इतने ग्राम अगर हमारे पास इथेन हो तो उसका प्रेशर कितना होगा, उसका प्रेशर होगा हमारा 1 बार होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर सोल्यूशन के अंदर, इफ सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन के अंदर हमारा इतना क्या हो, इतना उसके अंदर इथेन हो, तो बताओ उसका प्रेशर कितना होगा, ठीक है। देखो मैंने बताया था कि जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या हमारा फॉर्मूला है, एम इज एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के,
एम किसके प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन पी के, ठीक है। तो दो के लिए जब हम बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू, तो ये फॉर्मूला होगा हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, एम वन की वैल्यू कितनी है, एम वन की वैल्यू 6.56 इंटू 10^-2 अपॉन में, एम टू की वैल्यू कितनी है, एम टू की वैल्यू है 5 इंटू 10^-2 इज इक्वल टू, पी वन कितना गिवन है, पी वन हमें 1 बार गिवन, और जो पी टू है, पी टू की हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो हम पी टू निकालेंगे, पी टू क्या निकालेंगे हमारा 5 इंटू 10^-2 अपॉन में क्या आएगा हमारा 6.56 इंटू 10^-2 माइनस टू से माइनस टू क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारी वैल्यू आएगी, वो आएगी 0.762, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी हमारी बार, क्योंकि जो हमें प्रेशर गिवन है वो किस में गिवन है, वो बार के अंदर गिवन है, क्लियर। तो ये होगा हमारा इसका आंसर होगा, ओके थैंक यू। हेलो गाइस वेलकम बैक। तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, इफ N2 गैसेस बबल थ्रू वाटर, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। हमें वाटर का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन हमें, वॉल्यूम गिवन है हमें 1 लीटर हमें गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम हमें 1 लीटर गिवन है, ठीक है। और साथ में जो हमें है पार्शियल प्रेशर गिवन है, पार्शियल प्रेशर किसका गिवन हमें, N2 गिवन है, वो कितना गिवन हमें 0.987 bar, ठीक है, ये हमें गिवन है। और साथ में हमें हेनरीज कांस्टेंट गिवन है, दैट इज KH, कितना है वो है हमारा 76.48 kilobar, ये हमें गिवन है। और हमें क्या करना है, हमें मिली मोल्स कैलकुलेट करने हैं, हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, मिली मोल्स निकालने हैं, हमें मिली मोल्स को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो हमें पता है कि जो हमारा हेनरी कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला क्या, उसका फॉर्मूला है हमारे पास पार्शियल प्रेशर, अब यहाँ पे N2 है तो हम N2 की बात करेंगे, इज इक्वल टू KH, हेनरी कांस्टेंट इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, यही आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहां से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 वो क्या आएगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन में क्या आएगा हमारा हेनरी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है हमारा 0.987 bar अपॉन में, जो हमारा KH है, KH कितना है हमारा 76.48। अब देखो ये किलो बार है, किलो बार है, इसको कन्वर्ट कर लो बार में, इंटू में क्या कर दोगे 10^3 कर दोगे, ठीक है। तो यहां से आपके पास मोल फ्रैक्शन आएगा पूरा, इसको पूरे को सोल्व कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी बार यूनिट और नीचे भी क्या यूनिट है, बार यूनिट है, तो बार से बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे सॉरी आंसर नहीं आएगा, मोल फ्रैक्शन आएगा, वो आएगा हमारा 1.29 इंटू में 10^-5 आएगा, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। बट हमें तो मोल फ्रैक्शन नहीं कैलकुलेट करना, हमें तो मिली मोल्स निकालने हैं, हमें मोल फ्रैक्शन की जगह क्या निकालना है, हमें तो मिली मोल्स को कैलकुलेट करना है, क्लियर। देखो हमारे पास जो हमारे पास एक्स ऑफ N2 है वो कितना आया है हमारे पास 1.29 इंटू में 10^-5। अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन N2 का निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी N2 के, अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे H2O के आएंगे, और जो ये मोल्स हैं, ये मोल किसके हैं N2 के, और ये भी मोल किसके हैं, ये भी मोल्स N2 के हैं, ठीक है, यहां से आ जाएगा, ओके। अब देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा क्या आया है, बहुत ज्यादा कम है, मोल फ्रैक्शन क्या है, देखो 10^-5 बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब है कि N2 के मोल्स भी क्या है, बहुत कम है, N2 के मोल्स भी क्या है, बहुत कम है। तो अगर N2 के मोल्स जब बहुत कम होता है ना, तो आप जो डिनोमिनेटर के अंदर जो ये N2 के मोल्स हैं, इनको क्या कर सकते हो, इनको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर जैसे हम इसको नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू 1.29 इंटू में 10^-5 आएंगे, ठीक है। अब देखो H2O के मोल्स कितने, देखो हमारे पास जो हमें लीटर, कितना लीटर गिवन हमें 1 लीटर गिवन है, कितना गिवन है 1 लीटर, और हमें पता है कि जब 1 लीटर हमारे पास वाटर है, 1 लीटर वाटर, तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर है, 1 लीटर को क्या करेंगे 1000 ml में कन्वर्ट करेंगे, 1 लीटर को हम 1000 ml, और 1000 ml से डेंसिटी निकाल देंगे उसकी, ठीक है ना, क्योंकि देखो जो वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम कितना आएगा हमारा, वॉल्यूम आएगा हमारा 1000 ml आएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसकी जो डेंसिटी 1 होती है 1 gram per ml, तो जो इसका जो वेट है, वेट भी कितना आ जाएगा इसका, वो हमारा क्या आएगा 1000 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से 1000 ग्राम हो गया अपॉन में, इसका क्या आएगा, इसका 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 मोलर मास, ठीक है। तो यहां से हम इसकी जगह ये पुट करेंगे, सो अल्टीमेटली जो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं,
नंबर ऑफ मोल्स जो एन टू के आएंगे वो कितने आएंगे, 1.29 इंटू में 10^-5, ये तो है ही है साथ में, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 55.5, क्योंकि जब 1000/18 करोगे तो क्या आएगा, 55.5 आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद जो आपके पास मोल्स आएंगे वो कितना आएंगे, 71.6 इंटू में कितना आएगा, 10^-5 आएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये तो क्या है हमारे पास, ये मोल्स है, ये क्या है हमारे पास मोल्स, हमें तो क्या निकालने, हमें मिली मोल्स निकालने हैं, तो मिली मोल्स के लिए क्या करोगे, 10^3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 71.6 इंटू में क्या आएगा, 10^-2 मिली मोल्स आ जाएंगे, तो ये क्या होगा हमारा, इसका ये आंसर होगा, ये क्लियर, ओके थैंक यू। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल हैव अ सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें इसके अंदर सॉल्युबिलिटी गिवन है, क्लियर। तो लिख लेते हैं पहले हम के अंदर कि हमें क्या गिवन है, गिवन हमें सॉल्युबिलिटी गिवन है, सॉल्युबिलिटी कितनी गिवन है हमें, 0.05 ग्राम पर ml गिवन है, ठीक है। साथ में हमें और क्या गिवन है इसके, टेम्परेचर है, ठीक है, और हमें गिवन है हेनरी कॉन्स्टेंट KH, कितना गिवन है हमें वो, 34.86 गिवन है किलो बार, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है, इसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, किसका निकालना है, ऑक्सीजन गैस है तो हमें पार्शियल प्रेशर भी किसका निकालना है, ऑक्सीजन गैस का निकालना है, ठीक है, ओके। और हमें बोल रहे हैं कि जो हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी किसकी है, डेंसिटी सोल्यूशन इज सेम एज एट ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी जो सोल्यूशन की डेंसिटी उतनी किसकी है, वो सॉल्वेंट की भी डेंसिटी है, ठीक है। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू में क्या करेंगे, हम इंटू में करेंगे हेनरी कॉन्स्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में हमें पार्शियल प्रेशर हमें निकालना है, और KH क्या है हमें गिवन है, क्लियर। तो जो हमें XO42 है, XO42 की जगह हमें हमें मोल फ्रैक्शन ना गिवन होके हमें सॉल्युबिलिटी गिवन है, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी भी किसके अंदर, ग्राम पर लीटर के अंदर है। इसका मतलब है कि हमें स्ट्रेंथ गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें स्ट्रेंथ गिवन है, वही है हमारी सॉल्युबिलिटी 0.05 ग्राम पर ml, ठीक है, हमें स्ट्रेंथ गिवन है, ओके। अब देखो एक तरह से हमें स्ट्रेंथ गिवन, हमें क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो स्ट्रेंथ है 0.05 ग्राम पर ml, इसका मतलब क्या है, 0.05 ग्राम पर ml का मतलब क्या है कि 0.05 ग्राम O2 है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 0.05 क्या है, 0.05 ग्राम O2 है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन कितना है हमारा, 1 लीटर है। अब देखो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा है हमारा, सॉल्वेंट है हमारा यहाँ पे H2O, ठीक है। अब सॉल्वेंट है, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी 1। अब अगर सॉल्वेंट की डेंसिटी 1 है और हमें बोला गया कि सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन की दोनों की डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी कितनी होगी, फिर वो वही होगी 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो जो यहां से सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना आ जाएगा हमारा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हमें गिवन है 1 लीटर, दैट इज 1000 ml, और जो इसका वेट आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा आएगा 1000 ग्राम आएगा, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन का वेट है, सोल्यूट का वेट कितना है, सोल्यूट का वेट है 0.05, ठीक है। देखो अगर हमें W1 निकालना है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो हमें क्या करेंगे, 1000 ग्राम माइनस क्या करेंगे, 0.05 ग्राम करेंगे, ठीक है। यहां से जो हमारा आएगा 999.95 ग्राम आएगा, ठीक है। अब देखो जो ये वैल्यू, ये वैल्यू बिल्कुल अप्रोक्स है किसके, 1000 के, वैल्यू किसके अप्रोक्स है, ये 1000 के अप्रोक्स है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट हम कितना मान लेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट हम मान लेंगे 1000 ग्राम मान लेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना मान लेंगे, 1000 ग्राम मान लेंगे वहां पे, ठीक है, ओके। अब हम निकालते हैं हमें मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, O2 का निकालना है मोल फ्रैक्शन, O2, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी O2 करेंगे अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। नंबर ऑफ मोल्स, O2 के मोल्स कितने हैं, देखो O2 का मास कितना है, 0.05 ग्राम आया, तो मोल्स भी कितने आएंगे, 0.05 अपॉन में 32 अपॉन में क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 0.05 अपॉन में 32 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, H2 का वेट कितना आ गया हमारा, आ गया वो 1000 ग्राम, अपॉन में क्या करेंगे उसका मोलर मास कर देंगे, दैट इज 18 कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जो हमारा O2 है,
O2 बहुत कम है, O2 का वेट क्या है बहुत कम है, कितना है 0.05 है, बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन में इसको क्या कर देंगे, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इसको हम इतनी टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे हम इस टर्म को क्या करेंगे नेगलेक्ट करेंगे, नेगलेक्ट करने के बाद क्या होगा हमारा, तो यहां से जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 जो होगा हमारा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा 0.05 अपॉन में 32 और अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1000 और 18 का चला जाएगा, 18 अब चल जाएगा ऊपर। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को सोल्व करना, पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, वो आएगी 2.81 इंटू में क्या आएगा हमारा 10^-5। तो ये वैल्यू आएगी हमारी पूरी इसको सोल्व करने के बाद। ठीक है, और जो हमें पता है कि जो हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है O2 का, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा इसका हमारा KH इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। ठीक है, अब KH क्या था, KH था हमारा 34.86 इंटू में 10^3 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे जो हमारा मोल फ्रैक्शन है, दैट इज 2.81 इंटू में 10^-5। इस पूरी वैल्यू को सोल्व करना है, वैल्यू को सोल्व करने के बाद आएगा 98 इंटू में 10^-2। ठीक है, सो अल्टीमेटली 0.98 बार क्या आ जाएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका 0.98 बार। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, एयर कंटेंस O2 एंड N2 इन द रेशियो 1:4। तो जो हमें जो O2 का जो N2 का रेशियो है, O2 N2 रेशियो हमें कितना गिवन है, मोल रेशियो गिवन है हमें O2 का और N2 का, वो कितना है, वो है 1:4। 1:4 हमें मोल रेशियो गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, क्या करना हमें सॉल्युबिलिटीज का रेशो निकालना है, किस किस का रेशो निकालना है सॉल्युबिलिटीज का, देखो सॉल्युबिलिटीज का रेशो निकालना हमें X2 O2 का और N2 का, हमें ये निकालना है। ठीक है, O2 का और N2 के सॉल्युबिलिटी का मोल रेशो निकालना है, और हमें दोनों के क्या गिवन है, हमें दोनों के हेनरी कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, हमें O2 और N2 का मोल रेशो गिवन है, हमें हेनरी कांस्टेंट गिवन है, और हमें क्या करना है, हमें O2 और N2 का रेशो निकालना है, सॉल्युबिलिटीज का रेशो निकालना है। क्लियर, देखो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। ठीक है, यहां से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 को कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन में KH, दैट इज हेनरी कॉन्स्टेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम पार्शियल प्रेशर O2 का ले रहे हैं तो हेनरी कॉन्स्टेंट भी किसको होगा हमारा, वो O2 का होगा। ठीक है, ओके, देखो इसके लिए क्या है, हमें पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, हमें पहले पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, तो हम पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे वो डाल्टन्स लॉ से, हम किसे निकालेंगे, डाल्टन्स लॉ से निकालेंगे, डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, डाल्टन लॉ गैसेस के ऊपर होता है, और हमें किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, ये है। ठीक है, अब देखो हमें टोटल प्रेशर गिवन है, हमें टोटल प्रेशर गिवन है कितना है, वो एटमोस्फेरिक प्रेशर, और एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है हमारा, वो 1 bar होता है। इसका मतलब है कि जो पीटी है, पीटी कितना है हमारा, 1 bar ले लो, या फिर जो भी यूनिट है उसके अकॉर्डिंग ले लो आप उसको। ठीक है, 1 atmosphere ले लो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। अब हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, अब देखो जो हमारा O2 और N2 का मोल रेशो कितना है, 1:4 है, O2 और N2 का मोल रेशो कितना है, 1:4 है, 1:4 का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स O2 के कितने हैं, वो 1 है, और नंबर ऑफ मोल्स N2 के कितने हैं, वो है हमारे 4। ठीक है, तो O2 का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, O2 का जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन कितना आएगा O2 का, O2 का मोल फ्रैक्शन आएगा हमारा 1/1+4। ठीक है, और ऐसे ही जब हम मोल निकालेंगे N2 का, N2 कितना आएगा, 4/1+4। ठीक है, तो इसका तो आ गया हमारे पास 1/5, और इसका कितना आएगा, इसका आ गया हमारा 4/5। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हमें निकालना भी 1/5 इंटू में पीटी कितना है, 1 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना आ गया, वो आ गया हमारा 1/5। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर N2 का निकाल लेंगे, वो कितना होगा, मोल फ्रैक्शन कितना है इसका, 4/5, और टोटल कितना है, 1 है, तो 4/5 क्या आ गया इसका, हमारा टोटल प्रेशर आ गया यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर आ गया। ठीक है, हमें पार्शियल प्रेशर मिल चुके हैं, अब हमें क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शन का रेशो निकालना है, हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन का इसका रेशो कैलकुलेट करना है। ठीक है,
अब देखो, अगर आप सोच रहे हो कि जो हमें मोल फ्रैक्शन ये निकाले हैं, जो हमने मोल फ्रैक्शन ये निकाले हैं, ये जो मोल फ्रैक्शंस हैं ये हैं गैसेस के टर्म्स में, ये किसके टर्म्स में, गैस के टर्म्स में, और जो हमें मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालना है वो हमें सोल्यूशन के अंदर निकालना है, ठीक है? तो दोनों डिफरेंट है और हमें उसकी वैल्यू प्रॉपर निकालनी पड़ेगी, क्लियर? ओके, सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना आ गया हमारा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन में KH, और KH किसका है, ये O2 का है। ऐसे मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे हम N2 का, वो कितना आएगा, प्रेशर ऑफ N2 अपॉन में KH, ये भी किसको होगा हमारा, ये भी N2 को होगा, ठीक है? दोनों के उसका रेशो लेंगे, O2 का मोल फ्रैक्शन अपॉन में N2 का मोल फ्रैक्शन, तो कितना आएगा वो हमारा, वो आ जाएगा हमारा प्रेशर ऑफ O2 अपॉन में KH ऑफ O2, ठीक है? और इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा हमारा, नीचे आ जाएगा हमारा प्रेशर ऑफ N2 और ऊपर आएगा हमारा KH ऑफ N2 आएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक है? प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अभी निकाल के है हमारा कितना है, 1/5 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसकी 1/5 इंटू में KH ऑफ O2, KH ऑफ O2 कितना है हमारा, वो 3.3 इंटू में 10^7 है, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर KH ऑफ N2, KH ऑफ N2 कितना, 6.6 इंटू में 10^7 अपॉन में प्रेशर ऑफ N2, वो कितना है हमारा, 4/5, ठीक है? तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3.3 ये 6.6 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, 10^7 से 10^4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा हमारा 2/4, 2/4 का मतलब क्या है, 1/2, सो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा हमारा, 1:2 आ जाएगा, 1:2 क्या होगा हमारा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है? सो ये हमारा क्वेश्चन था, तो आंसर कितना आया इसका, आंसर आया हमारा इसका 1:2 आ गया। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज दिस, हमें क्या गिवन है, हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है, ठीक है? कितना है वो, KH कितना गिवन हमें, वो गिवन हमें 4.34 इंटू में 10^4 एटीएम, हमें ये वैल्यू गिवन है, ठीक है? और हमें बोल रहा है कि इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 0.2, कि जो पार्शियल प्रेशर है इसका ऑक्सीजन का, वो कितना है, 0.2 एटमोसफेयर गिवन है, ठीक है, अंडर एटमोसफेयर कंडीशन। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर, हमें क्या करना है, हमें इनडायरेक्टली मोलैरिटी निकालनी है, हमें क्या करना है, मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है? देखो, सबसे पहले हमें पता है कि हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन से फिर हम कहाँ पे जा सकते हैं, मोलैरिटी पे जा सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन। देखो, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू KH इंटू में क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या फॉर्मूला आएगा हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन में KH, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन में KH, पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है, 0.2, और KH कितना गिवन है, 4.34 इंटू में 10^4, ठीक है? ये हमें यहाँ पे गिवन है, ओके? और यहाँ से हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी हमारी 4.6 इंटू में 10^-6, ये वैल्यू आएगी हमारी मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 की, ठीक है? अब देखो, जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है हमारा, जैसे O2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स O2 के अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, यही है, और इज इक्वल टू हमारा मोल फ्रैक्शन, वैल्यू कितनी है उसकी, 4.6 इंटू में 10^-6, क्लियर? अब देखो, जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के, ठीक है? हमने लेट कर लिया कि जो हमारा जो सोल्यूशन है वो 1 लीटर है, सोल्यूशन कितना है हमारा, 1 लीटर है। अब देखो, जो NO, जो O2 का जो मोल फ्रैक्शन आया, O2 का मोल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है, O2 का मोल फ्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा ही कम वैल्यू आई है। अब अगर जो हमारी इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम आई है, इसका मतलब है कि यहां से हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहां से हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर से, ठीक है? तो हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, अब H2O में जो हमने मान लिया सोल्यूशन वो कितना हमारा, 1 लीटर, तो सॉल्वेंट कितना हो गया हमारा, 1000 ग्राम अपॉन में कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है? सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल सकते हो, कितना आएगा हमारा, 4.6 इंटू में 10^-6 इंटू में क्या कर देंगे, 1000/18 करोगे जब भी आप, तो आपकी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी आएगी आपकी, वो आएगी 55.55 आएगी, ठीक है? 55.55 आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्लियर? जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे, पूरे को सोल्व करने के बाद
जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2.55 इंटू में 10^-4 मोल आए हैं। ये क्या है, मोल आए हैं, ये अभी आंसर नहीं है। हमें तो क्या निकालनी है, हमें तो मोलैरिटी निकालनी है, और मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2.55 इंटू में 10^-4, और वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। तो जब 1 लीटर पुट करेंगे तो फिर यही क्या आ जाएगा हमारा, मोल पर लीटर के अंदर वैल्यू आएगी, तो यही क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा उसका। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें मोल फ्रैक्शन निकालने, मोल फ्रैक्शन से फिर हम कहाँ गए, मोलैरिटी के पास चले गए। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 20°C दिस। हमें क्या गिवन है, हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है, हमें मोल फ्रैक्शन किसका गिवन है, हमें जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन गिवन है हमें हीलियम का। सो दैट मींस हमें एक्स ऑफ हीलियम गिवन है वो कितना है हमारा, 1.2 इंटू में 10^-6, तो हमें ये गिवन है। ठीक है, और हमें क्या करना है, फाइंड द प्रेशर ऑफ हीलियम, हमें हीलियम का प्रेशर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमें साथ में क्या गिवन है, हमें साथ में गिवन है हेनरी कांस्टेंट, वो कितना है हमारा, 144.97 किलो बार। ठीक है, देखो हमें पता है कि सिंपल है ये, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हम फॉर्मूला होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। हेनरी कांस्टेंट कितना है, 144.97। अब देखो ये किलो बार है, किलो बार है तो उसको क्या कर दो, बार में कन्वर्ट कर लो, साथ में क्या लगा दो, 10^3 लगा दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, जो एक्स ऑफ हीलियम है वो कितना है हमारा, 1.2 इंटू में 10^-6 है। ठीक है, इस पूरे को सोल्व करोगे, पूरे को सोल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 173.964 इंटू में 10^-3 आएगी। ठीक है, और अल्टीमेटली आपका आ जाएगा वो 0.174। अब इसको राउंड ऑफ करोगे तो प्रेशर ऑफ हीलियम क्या आ जाएगा आपके पास, 0.174/12 आ जाएगा वो। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 इन वाटर। हमें सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करना है, और हमें क्या गिवन है, हमें पार्शियल प्रेशर गिवन है। पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है हमें, पार्शियल प्रेशर हमें गिवन है H2 का 1 bar गिवन है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और हमें साथ में हेनरी कांस्टेंट गिवन है, हेनरी कांस्टेंट कितना है वो 71.18 किलो बार गिवन है। हेनरी कांस्टेंट किसमें गिवन है हमें, किलो बार के अंदर हमें वो गिवन है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है। देखो जब हमें इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है, सॉल्युबिलिटी हमें निकालनी है इसकी मोल पर लीटर के अंदर। किसमें निकालनी है हमें सॉल्युबिलिटी, इसकी मोल पर लीटर के अंदर निकालनी है। ठीक है, अब देखो पहले तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ हेनरी कांस्टेंट का। हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। ठीक है, यहां से क्या करो, यहां से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 को निकाल लो एक बार, वो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन में हेनरी कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर H2 कितना है, 1 bar है, अपॉन में हेनरी कांस्टेंट 71.18 किलो बार। किलो को कन्वर्ट कर लो 10^3 इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा हमारा 12 आएगा। सो अल्टीमेटली जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 है वो क्या आ गया हमारा, इसको पूरे को डिवाइड करने के बाद आएगा हमारा 0.014 इंटू में 10^-3 इंटू में क्या आएगा, 10^-3 आ जाएगा। ये हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 आ गया। ठीक है, देखो हमें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 आ गया, पर हमें तो किसमें निकालना है, हमने मोल पर लीटर में निकालना है, मतलब हमें मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 है तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब देखो जो इसका मोल फ्रैक्शन है बहुत ही ज़्यादा क्या आया, कम आया, तो अगर बहुत ज़्यादा कम होता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको हम यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन में, अब नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकालने हैं, हमने लेट कर लिया कि जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या है, 1 लीटर है, जो लेट कर लिया जो हमारा सोल्यूशन है वो कितना है, 1 लीटर हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, जब उसमें सोल्यूशन 1 लीटर है तो हम सोल्यूट बहुत ज़्यादा कम है तो जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो भी कितना होगा, 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml, और डेंसिटी बने तो 1000 क्या आ गया, ग्राम आ गया, 1000 क्या आ गया वो, ग्राम आ गया। ठीक है, और 1000 by 18 करेंगे तो क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, वो कितना आएंगे हमारे, 55.5 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 55.55 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन कितना आया, 0.014 इंटू में 10^-3। सो नंबर ऑफ मोल्स H2 कितने आ गए हमारे,
55.55 इंटू में 0.014 इंटू में 10^-3। सो अल्टीमेटली सोल्व करेंगे इसको, सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी 0.779 इंटू में 10^-3। ठीक है, और जो हम मोलैरिटी निकालेंगे, मोलैरिटी क्या होगी, देखो वॉल्यूम वन है, मोलैरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 0.779 इंटू में 10^-3 और वॉल्यूम कितना है 1 है, तो यही क्या होगा हमारा मोल पर लीटर, तो यही क्या आएगा हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर। हमें क्या करना है, हमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, और हमें टोटल प्रेशर गिवन है 1 एटमोस्फेयर, कितना गिवन हमें पीटी, हमें गिवन है 1 एटमोस्फेयर गिवन है। ठीक है, और साथ में हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, कितना गिवन है 0.78 गिवन है। ठीक है, और हमें साथ में KH भी गिवन है नाइट्रोजन का, कितना है वो 8.42 इंटू 10^-7 एम, एम का मतलब है मोलर, मोलर पर मिलीमीटर मरकरी, मोलर पर मिलीमीटर मरकरी। देखो यहां से थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल जाएगा, हिंट क्या मिलेगा आपको, हिंट ये मिलेगा कि जो आपको कंसंट्रेशन निकालनी है वो मोलैरिटी के टर्म्स में निकालनी है, मतलब मोलर के टर्म्स में निकालनी है इन शॉर्ट। ठीक है, ओके, देखो हमें पहली बात तो हमें क्या गिवन है, हमें टोटल प्रेशर गिवन है, और जब टोटल प्रेशर गिवन होता था हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हम डाल्टन स्लोप, हम क्या यूज करते हैं, हम डाल्टन स्लोप का यूज करते हैं। डाल्टन स्लोप क्या बोलता है कि प्रेशर ऑफ एन टू इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू इंटू में टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, ओके, हमें टोटल प्रेशर गिवन है और हमें क्या गिवन है, हमें मोल फ्रैक्शन भी गिवन है, मोल फ्रैक्शन कितना है 0.7 एंड टोटल प्रेशर है 1, सो अल्टीमेटली जो हमारा प्रेशर ऑफ एन टू है वो कितना आ गया 0.78 आ गया, प्रेशर ऑफ एन टू कितना आ गया 0.78 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो जो ये तो आया है 0.78 हमारा एटमोसफेयर में आया, ये ध्यान रखना क्योंकि पीटी कितना था 1 एटमोसफेयर था, हमें इसको मिलीमीटर में कर लेते हैं क्योंकि जो हमें केएच है, केएच की यूनिट क्या है मिलीमीटर है, वो केएच की यूनिट क्या है वो मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसको मिलीमीटर में करेंगे तो हमें पता है कि 1 एटमोसफेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर, तो 760 से क्या कर देंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अंदर ये हमारा आ जाएगा। ओके, तो ये तो आ गया हमारा प्रेशर ऑफ एन टू। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला है के इन टू एस इज इक्वल टू के पी, एस इज इक्वल टू के पी, फिर वही बात है कि जो यहाँ पे जो के एच है हेनरी कॉन्स्टेंट उसकी यूनिट क्या है हमारी मोलर पर मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू में के ऑफ है, ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर जो के एच होता है, के एच की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जो प्रेशर की यूनिट है वही के एच की यूनिट है, बट यहाँ पे यूनिट अलग है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एस इज इक्वल टू के पी लगेगा। के क्या है हमारा, के है हमारा 8.42 इंटू में 10^-7 मोलर अपॉन में मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेशर से, अभी निकाला हमने 0.78 इंटू में 760, ये भी मिलीमीटर मरकरी, मिलीमीटर मरकरी से मिलीमीटर मरकरी कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 4.99 इंटू में 10^-4 मोलर आएगी, सॉल्युबिलिटी क्या आएगी हमारी 4.99 इंटू में 10^-4 मोलर, और यही क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन हमें, 50 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन, कि जो हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, वो कितना है हमारे पास 50 ग्राम है। ठीक है, और किसके है वो एक्वा सॉल्यूशन हमारा पोटेशियम क्लोराइड का है, पोटेशियम क्लोराइड का हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमने उसको क्या किया, हमने उसको ड्राई किया, हमने क्या किया, हमने उसको ड्राई किया, अब ड्राई करने पर क्या हुआ, हमें 13.2 ग्राम ड्राई केसर मिला, हमें 13.2 ग्राम क्या मिला, ड्राई केसर मिला। ठीक है, देखो ये तो है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना है हमारा 50 ग्राम है, और ड्राई करने पे हमें क्या मिला, 13.2 ग्राम हमें मिला, तो दैट मीन्स जो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है हमारा 13.2 ग्राम। ठीक है, यहां से हम वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, तो 50 - 13.2 यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा हमारे पास 36.8 ग्राम आ गया हमारे पास वेट ऑफ
सॉल्वेंट आ गया, ठीक है। ओके, अब हमारे पास सॉल्युबिलिटी निकालनी है। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में क्या करोगे 1000 करोगे। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूट है अभी निकाला है हमने 13.2। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास 36.8। इनटू में क्या कर दोगे, इनटू में 100 कर दोगे। 100 करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 35.869, ठीक है। तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी हमारी, वो आएगी हमारी 36 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी सॉल्युबिलिटी होगी। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या बोला हुआ है, हाउ मच कॉपर सल्फेट विल बी रिक्वायर्ड टू सैचुरेट, कि हमें कितने ग्राम कॉपर सल्फेट की हमें रिक्वायरमेंट है टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो हमें एक डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन गिवन है कॉपर सल्फेट का, हमें क्या गिवन है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, किसका गिवन है, कॉपर सल्फेट का गिवन है। कितना है वो है 100 ग्राम है, सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास 10 ग्राम डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, अगर हमारे पास क्या हो 10 ग्राम डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो उसमें 1.2 ग्राम हमें कॉपर सल्फेट मिलेगा। अगर 10 ग्राम से हमें कितना मिलेगा, अगर 10 ग्राम क्या हो हमारे पास सॉल्यूशन हो, तो उससे कितना मिलेगा, 1.2 ग्राम हमें कॉपर सल्फेट मिलेगा, ठीक है। अब ये कि 10 ग्राम से अगर 1.2 मिलेगा, तो हमारे पास वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम सॉल्यूशन से कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें 12 ग्राम, ठीक है। सो इन शॉर्ट कि जो हमारे पास जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा, वो 100 ग्राम है, और वेट ऑफ जो सॉल्यूट है वो कितना आ गया हमारे पास, वो 12 ग्राम आ गया। वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, 100 - 12 दैट इज कितना आएगा, वो 88 ग्राम आएगा, ठीक है। तो 88 ग्राम हमें क्या गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, ठीक है। और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, इसकी सॉल्युबिलिटी 25। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ये क्वेश्चन। तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू में क्या कर दोगे, इंटू में 1000 करोगे, ठीक है। तो जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी कितनी गिवन है, 25 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमें निकालना है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से टोटल, अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारा 88, इंटू में क्या कर दोगे, इंटू में कर दोगे 100। तो यहाँ से जो वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा हमारा, 25 इंटू में 88 अपॉन में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। तो यहाँ से 4 आ गया, और यहाँ से कितना आएगा आपके पास, 22 ग्राम आ गया, ठीक है। अब देखो कई बच्चे जो हैं वो आंसर करके आएंगे 22 ग्राम, पर 22 ग्राम हमारा आंसर नहीं है। देखो 22 ग्राम तो हमें टोटल चाहिए, 22 ग्राम तो हमें क्या चाहिए, टोटल सॉल्यूट चाहिए, टोटल कॉपर सल्फेट चाहिए, ठीक है। बट उसके अंदर ऑलरेडी 12 ग्राम है, उसके अंदर ऑलरेडी कितना है 12 ग्राम है, तो हमें जो हमारा आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा, 22 - 12 आएगा, दैट इज 10 ग्राम आएगा। देखो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना, वो ऑलरेडी उसके अंदर 12 ग्राम कॉपर सल्फेट ऐड किया हुआ है, 12 ग्राम ऑलरेडी एडेड है, और हमें टोटल कितना डालना है, 22 डालना था सैचुरेट करने के लिए, तो हमें 12 डाला हुआ है, 22 डालना, ठीक है। तो कितना और डालना पड़ेगा, 10 ग्राम और डालना पड़ेगा ना, तो आंसर कितना आएगा हमारा, 10 ग्राम आएगा, कि हमें कॉपर सल्फेट 10 ग्राम और ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी कॉपर सल्फेट डाला हुआ है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा इसका, आंसर आएगा 10 ग्राम, ठीक है।